हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लीब्रा राइटर की है। एमएस वर्ड की बात करें यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करने से डबल अंडरलाइन बन जाती है। ठीक है, जो भी डबल अंडरलाइन बनाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कीजिएगा तो डबल अंडरलाइन बन जाएगी। या फिर एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिए केवल, और उसके बाद यहां पर आपको जाना है अंडरलाइन स्टाइल पर, और यहां से भी आप डबल अंडरलाइन बना सकते हैं। यहां ओके प्रेस कर देंगे, ये देखिए सिंगल अंडरलाइन अभी आ रही है, तो यहां पर कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, सिंगल अंडरलाइन ही सेलेक्ट हो गई है। अब ये डबल अंडरलाइन सेलेक्ट किया हमने तो ये देखिए डबल अंडरलाइन भी आने लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये काम लीब्रा राइटर में करना है, तो ये देखिए ये लीब्रा राइटर है, यहां पर ये काम कैसे होगा? तो आप कंट्रोल डी यहां प्रेस कर सकते हैं, सिंपली कंट्रोल डी ही प्रेस करने से डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अब ये कंफ्यूजन तब आपको आएगी जबकि आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लीब्रा राइटर में डबल अंडरलाइन लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपने पढ़ रखा है एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड में जो होता है कंट्रोल शिफ्ट डी होता है, डायरेक्टली डबल अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन लीब्रा राइटर की बात करें तो लीब्रा राइटर में आपको प्रेस करना होगा केवल कंट्रोल डी। जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए डबल अंडरलाइन अप्लाई हो गया, जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस किया। अब इसको हटाना होगा तो फिर कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिएगा, ये हट भी जाएगा। फिर लगाना है कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, हटाना है कंट्रोल डी वापस से प्रेस कर दीजिए, ये हट भी जाएगा। इस पूरे पार्ट पर डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिए, पूरे हिस्से पे डबल अंडरलाइन अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा मुझसे पूछा गया था दोनों में डिफरेंस, तो कंट्रोल शिफ्ट डी याद रखिएगा एमएस वर्ड के लिए और कंट्रोल डी याद रखिएगा लीब्रा राइटर के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।